हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ओके, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसके लिए हम एक सेटअप लेंगे। ये स्प्रिंग है, ठीक है, और उसे एम मास का जो ब्लॉक है वो कनेक्टेड है, ठीक है, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। इनिशियली ये जो है अपनी अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में, अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब ये स्प्रिंग ना अभी जो है कंप्रेस है ना इलॉन्गेटेड है। उसके बाद हमने इसमें एक फोर्स अप्लाई किया बाहर की तरफ और उसकी वजह से ये आपका जो है ब्लॉक अब यहां पे चला गया है, दैट इज एक्स। ओके, ये जो हमारे जो स्ट्रेच हुआ है वो कितना है, एक्स है। ये चीज समझ में आ रही है? तो अब ये जो स्प्रिंग जो उसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि चेंज हम ला रहे हैं फोर्स को अप्लाई करने के बाद, तो उसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब वो कितनी होगी ये हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम स्प्रिंग पे फोर्स एफ अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, तो ये स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी और ये रीस्टोरिंग फोर्स ये चाहेगा कि आपके जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, और इसी रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग को हम स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, आप जब किसी भी स्प्रिंग को जो है आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी वजह से जो है इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है उस स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए एफर्ट करता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ से एक चीज आती है, फ्रॉम हुक्स लॉ वो ये कहता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ एक्स के। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ एक्स में यहाँ पे एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये चीज तो समझ में आ रही है कि भाई जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगी उस पर रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा उतना ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव है वो ये दिखाने के लिए यूज होता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स है वो काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज Fs वो होता है इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, यहाँ पे k कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, ये बात क्लियर है? ठीक, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अब इस टर्म में आप स्प्रिंग फोर्स को लिख सकते हैं माइनस k इनटू x। अब हम यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट करने वाले हैं कि इस स्प्रिंग फोर्स ने कितना बल किया ब्लॉक जो है या स्प्रिंग जो है अपने इनिशियल पोजीशन से खींच के अपने फाइनल पोजीशन तक पहुंची है, तो उसके थ्रू कितना वर्क हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि स्प्रिंग जब खींच रही है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फोर्स जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स ना होके बल्कि वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पे हम सीधे जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क डन नहीं निकाल सकते, भले ही फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही लाइन के अलॉन्ग है। फोर्स जब वेरिएबल होता है तो यहाँ हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है कि वेरिएबल जब होता है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि इस एक्स डिस्प्लेसमेंट जो टोटल हुआ है उसको हम छोटे 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 पार्ट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और वहां से हम छोटे छोटे वर्ग को कैलकुलेट करके फिर हम उसको सम अप कर देंगे तो उस वेरिएबल फोर्स के थ्रू टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब ये स्प्रिंग फोर्स
फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है, जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, वो dx हम डिस्प्लेसमेंट में ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो कांस्टेंट है। तब जब आपका डिस्प्लेसमेंट dx होगा तो वर्क जो होगा वो भी बहुत ही क्या होगा, स्मॉल सा होगा, इनफिनिटली स्मॉल वर्क डन होगा। हम उस पूरे x को छोटे छोटे पार्ट में थोड़े से ले रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट में जो फोर्स है उसको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, और वहां से जो है चूंकि dx ड्यूरेशन में या डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट है तो यहां पे हम वर्क डन जो है निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक फार्मूला। ये क्लियर बात? तो हमारा जब डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, ठीक है, तो छोटा सा वर्क डन निकल गया। फिर आगे हम और अज्यूम करेंगे कि भाई dx और हुआ, फिर हमारा dw मिलेगा, फिर और हुआ, ऐसे ही इनफाइनाइटली स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट से ही ये पूरा x मिलके बना होगा। तो इस पूरे x को मिड स्पेस होने के लिए जो स्प्रिंग ने फोर्स सॉरी वर्क किया होगा वो क्या होगा, w होगा। और हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे किसको, dw को। और dw के इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को हमने dx 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 पार्ट में क्या है तोड़ा हुआ है, और dx में हमें dw वर्क मिले हैं। और सबको जब हम सम अप कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन इस स्प्रिंग फोर्स के थ्रू हमें मिलके आ जाएगा। तो अब यहां पे हम इस चीज को देखते हैं कि हमारा जो वर्क डन है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ dw है, और हम इसको जो है अज्यूम कर लेते हैं स्प्रिंग इनिशियली xi पोजीशन में था और फाइनली जो है वो क्या हो गया, फाइनल पहुंच गया। तो यहां पे x इनिशियल आपका 0 है और x फाइनल जो है आपका x है, ठीक है। तो अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा w is equals to 0 to x dw का यहां पे होगा minus k into x dx, ओके। तो यहां पे हमारा जो है, ठीक है, माइनस, ठीक है, k आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और यहां पे x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर by 2 और लोअर लिमिट हमारी 0 और अपर लिमिट हमारा क्या है, x। ये बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद जो है यहां पे ये हमारा अपर लिमिट हम रखेंगे x स्क्वायर by 2, लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहां से जो है आ जाएगा माइनस हाफ k x स्क्वायर। दिस इज योर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया, माइनस हाफ k x स्क्वायर। तो ये चूंकि स्प्रिंग ने किया, लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का जिसको आपने डिस्प्लेस किया, तो आपने क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा तभी तो ये अपने आप डिस्प्लेस हो गए, ब्लॉक नहीं ना। आप जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए होंगे, तो जब एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो सूरत में ही जो है स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। याद रखिएगा नेचुरल स्टेट में होगी स्प्रिंग, तो उस टाइम इलॉन्गेशन उसका जीरो, तो ऐसे सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो अब ये तो आपने स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया, लेकिन जब बारी आएगी, ठीक है, कि आपने मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया, ये हमें निकालना है। तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो यहां पे जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो ये कितना है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आपका निकल के आएगा वो आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया है इसलिए और जो स्प्रिंग है उसकी कॉन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए यही वर्क डन जो है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उस स्प्रिंग में जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी। तो यहां से स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जब उसका इलॉन्गेशन x हुआ है, दैट इज हाफ kx स्क्वायर। ये बात क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का हम लोग
यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी, ठीक है। तो कभी कभी आपका ये भी हो जाता है कि फॉर्मूला आपको शक्ल में भी मिल सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू जीरो नहीं है, x की वैल्यू हमारी x इनिशियल क्या है, इनिशियली वो x i पोजीशन पे है और फाइनली जो है वो क्या है, x फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलॉन्गेशन आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा हाफ की, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। आपको जो है कितना इलॉन्गेट हुई है इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको इस फॉर्म का भी अगर स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला मिले तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाफ kx फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ की x इनिशियल का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये बात? तो इस वीडियो में केवल